Assalamu class 5, how are you? Hope you are all fine. Today we will start unit 2 of science. First of all, class 5, see the scheme of study for the month of May. Look, duration 11th May to 10th June. Unit number 2, the animal world, page number 18 to 33. Topics, bioclassification, animal cells, mammals, reptiles, birds and fish, amphibians and arthropods, other invertebrates, review, diagram में आपने बनानी है animal cell की जो कि page 21 पर है. Okay students, now start the reading. Open your book, page number 18, unit 2, the animal world, by classification. Most things in the world are grouped with other things that share common feature. बहुत सी चीज़ें दुनिया में जिनकी कॉमन फीचर्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर. दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट देम एंड टू स्टडी देम. ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि उनके बारे में बात करना और उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए. बहुत सी चीज़ें दुनिया में जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप. और ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि उनके बारे में बात करना और उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए. शॉप्स आर एन एग्जांपल, इसके एग्जांपल शॉप्स हैं. ऑफ हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर, और ये सब जानते हैं कि ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं. मोस्ट शॉप सेल्स द आइटम्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन, बहुत सी शॉप्स ऐसे आइटम सेल्स करती हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है. सो देयर आर टेक्सटाइल शॉप्स दैट ओनली सेल द टेक्सटाइल, यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल शॉप्स हैं जो कि सिर्फ टेक्सटाइल सेल करती हैं. इट मीन्स बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं जो सिर्फ कपड़ा सेल करती हैं. और इसी तरह से बहुत सी बुक शॉप्स हैं जो सिर्फ बुक सेल करती हैं. साइंस इज़ नॉट डिफरेंट, साइंस कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है. सो थ्रू द एजेस साइंटिस्ट हैव ट्राइड ग्रुपिंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. सो सदियों से साइंसदान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि तमाम ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में ग्रुप बना दिया जाए. देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डू दिस एंड देयर विल बी न्यू अटेम्प्ट्स इन द फ्यूचर. उन्होंने बहुत सारी ऐसी अटेम्प्ट्स की हैं और वो ये अटेम्प्ट्स फ्यूचर में भी जारी रखेंगी. दिस इज़ बिकॉज साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट द ऑर्गेनिज्म. इसकी वजह यह है कि साइंसदान हमेशा से ऑर्गेनिज़म्स के बारे में न्यू डिस्कवरीज करने के लिए तैयार रहते हैं या कोशा रहते हैं. कुछ साइंसदान चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म्स के लिए नई नई डिस्कवरीज करें. सदियों से साइंसदान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दे. वो इस तरह की अटेम्प्ट्स करते हैं और वो फ्यूचर्स में भी करते रहेंगे. दिस इज़ बिकॉज, ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में नई मालूमात और नई डिस्कवरीज करने के लिए करते रहते हैं. मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, वो या न्यू डिस्कवरीज करते रहते हैं. एंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स. एनिमल्स ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं कौन सी बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चरल फीचर की बेसिस पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दैट मीन्स देयर फिजिकल मेकअप, यानी इसका मतलब है फिजिकल मेकअप, यानी कि वो किस तरह से बने हैं. फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, पहला एनिमल्स डिवाइड किए गए हैं वर्टिब्रेट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स और स्पाइनल कॉलम. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन या स्पाइनल कॉलम पाई जाती है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग्स एंड गोट एट्सेट्रा. इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव द स्पाइनल कॉलम, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल और नो हार्ड कवरिंग और अ स्केलेटन एट ऑल. इनवर्टिब्रेट्स की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है शेल की तरह, या उनकी जैसे कि एग्जाम्पल है इसकी सी शेल्स, यानी कि फ्रेश वाटर मसल्स जिन्हें जैसे कि हम कहते हैं सिपियाँ, और जिनकी आउटर कवरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती,
या जिनमें स्केलेटन भी नहीं होता, यानी कि ढांचा भी नहीं होता, उसको एग्जांपल क्या है उसकी, अर्थवर्म है, और क्या कहते हैं इसे, कहते हैं केचुआ। ये भी इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है। इनवर्टिब्रेट्स में जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लाइक अ शेल, जिसकी एग्जांपल है फ्रेश वाटर मसल्स यानी कि सिपियां। और बास इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आउटर कवरिंग बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती शेल की तरह, या उनमें स्केलेटन या ढांचा नहीं होता, उसकी एग्जांपल है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस। वर्टिब्रेट्स को फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो फाइव क्लासेस कौन कौन सी हैं, वो है मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। और इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस। इनवर्टिब्रेट्स को सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो हैं आर्थ्रोपोड्स, वॉर्म्स, मोलस्क, स्पॉन्जेस, नियोड्रियंस एंड इकाइनोडर्म्स। नॉट ऑन योर पेज। द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसे फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइव क्लासेस इसकी कौन कौन सी हैं, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन इसकी जो आउटर कवरिंग है वो कुछ में तो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है लाइक अ शेल, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग हार्ड भी नहीं होती और ना ही उनके अंदर स्केलेटन होता है। और इसकी सिक्स क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, नियोड्रियंस, स्पॉन्जेस एंड मोलस्क। इन डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू क्लासेस साइंटिस्ट लुक एट मैनी फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग whether they are warm blooded or cold blooded, how they give birth to their youngs, whether they live on land or in water, whether they have feathers for hair or scales. साइंटिस्ट ने इन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर की बेसिस पर डिवाइड किया है। और वो फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं कि एनिमल्स वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है इन्वायरमेंट के लिहाज से। और कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से चेंज होता रहता है। और ये किस तरह से अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, इन बेसिस पर। दूसरा कि वो लैंड यानी खुश्की पे रहते हैं या पानी में रहते हैं, या उनके जिस्म पर फेदर्स हैं, पर हैं, फर है, बाल हैं या स्केल हैं। इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स के बेसिस पर साइंसदानों ने एनिमल्स को क्लासेस में डिवाइड किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये रीडिंग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है और अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।